सबसे पहला उपाय जो आपको सोमवार के दिन करना है, क्या करना है आपको, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है या सफेद रुमाल ले लेना है। अगर ये आपके पति का ही रुमाल हो तो सोने पर सुहागा है भाई, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ले लीजिएगा। उसके ऊपर सबसे पहले सिंदूर से, सिंदूर को चमेली के तेल में या घी में मिला लीजिएगा, जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर। उसके ऊपर आप सबसे पहले ओम लिखेंगे, तत्पश्चात ओम के जस्ट नीचे आप श्रीम लिखेंगे और उसके तत्पश्चात नीचे ह्रीम लिखेंगे। ऐसे करके आपको तीनों मंत्र लिख देने हैं। उसके बाद आपको एक नींबू लेना है, उस नींबू को चार फाड़ी में काट लेना है। चार फाड़ी में काटने के बाद उसके ऊपर आपको लाल वाला सिंदूर डाल देना है। डालते वक्त आप जरूर मनी मन ये मनोकामना करेंगे कि मेरे पति, जो भी उनका नाम है, उनका गुस्सा शांत हो जाए, वो मेरे साथ बहुत प्यार से व्यवहार करें, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहें। आपके मन में उनको लेकर जितनी भी प्रार्थनाएं हो ना, बोल लीजिएगा और 11 से ज्यादा बार मत करिएगा ये काम। 11 बार सिंदूर डाल दीजिएगा और उसके बाद उस पोटली को बांध के रख दीजिएगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो पोटली आपके पास रहेगी, या तो आपके कपड़ों की अलमारी में या फिर आपके मंदिर में। शनिवार के दिन अगर हो सके तो अपने पति के सिर पे से 7 बार घुमा दीजिएगा। पति ना घुमवाएं या किसी रीजन से आप ना घुमा पाए तो आप उनकी फोटो पे से घुमा दीजिएगा और ले जाकर चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। और ये क्रिया आपको सुबह 12 बजे से पहले पहले कर देनी है, करके देखिएगा उनका गुस्सा छूमंतर जरूर हो जाएगा। चलिए दूसरा उपाय लिखिए। अगर बहुत ज्यादा बातें बिगड़ गई हैं, उनको भी गुस्सा आता है, गुस्सा आपको भी आता है भाई, वो कुछ बोले बगैर नहीं रहते तो आप जवाब दिए बगैर भी नहीं रहते। अगर ऐसी परिस्थितियां चल रही है कि बराबर की चक्कर की लड़ाई चल रही है तो क्या कर लेना चाहिए, बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर जाना चालू कर दीजिए। 11 शनिवार ये प्रयोग करिए। माँ काली के मंदिर जाके सबसे पहले मीठे का भोग लगाइए और उसके बाद माँ काली के परिसर में एक तरफ किसी कोने में खड़े होके एक शहद की शीशी पूरी की पूरी वहां पर डालकर आ जाइए। या तो कोई पेड़ पौधा हो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो परिसर में किसी भी जगह आप वो शहद की शीशी जरूर डालाइए। याद रखिएगा शहद ओरिजिनल होना चाहिए पिता, और ये क्रिया करनी है 11 शनिवार करिएगा। आपके पति आपके प्रति जरूर नमी ले आएंगे और उनके बर्ताव में, उनकी वाणी में जरूर मधुरता आने लगेगी।